बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के एडमिशन फॉल 2024 के रिलेटेड है। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में एडमिशन फॉल 2024 जो है स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशंस, जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845716 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन फॉल 2024 जो स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है एडमिशंस का। एडमिशंस के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर आपके सामने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है वो शो हो जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली बीबीए प्रोग्राम, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, बिजनेस एनालिटिक्स, साइकोलॉजी, फार्म डी, बीएस इंग्लिश, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, बीएस मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो हैं इनमें ओपन है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली एमबीए प्रोग्राम, एमफिल मैनेजमेंट साइंसेज, एमफिल साइकोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमफिल अकाउंटिंग एंड फिनांस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज, एमफिल फार्मेसी, मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स में ओपन है। जबकि पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स जो है इनमें ओपन है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए टॉप पे आपको ऑप्शन शो है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। इधर आपके सामने ऑप्शन शो है न्यू ईयर साइन अप। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो है अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद लास्ट नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस जो है अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज आपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सीएनआईसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन नंबर अपना इंटर करना है। इसके बाद आपने जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। नीचे ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है इसे कंप्लीट करने के बाद अपने साइनअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू जो है वो लॉगिन पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। उसको यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो अपना वो फिलअप करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर जो अपने ब्लू बैकग्राउंड में अपलोड करनी है। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो अपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है अपने वो इधर इंटर करनी है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो अपने वो इधर सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट स्कूल का नेम जो है अपने वो इधर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई, आपने ये इधर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने फैमिली डिटेल जो है अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो है अपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का सीएनआईसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का सेल फोन नंबर आपने इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो है अपने वो इधर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मदर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद मदर का स्टेटस जो है अपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद मदर का सीएनआईसी नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मदर का सेल फोन नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एजुकेशन जो है अपने वो इधर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोफेशन आपने इधर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद नीचे अपने टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स जो है अपने वो इधर इंटर करेंगे और टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है आपकी अपने वो इधर इंटर करना है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है अपने वो इधर सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एड्रेस जो है अपना वो इधर टाइप करेंगे। इसके बाद अपने सिटी का जिप कोड जो है अपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद अपने नीचे परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करेंगे। इन केस आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है दोनों सेम है तो आपने इस सेम एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप जो है अपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने गार्डियन का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद सीएनआईसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो है अपने वो इंटर करना है।
इसके बाद अपने मंथली इनकम जो है वो इंटर करेंगे, इसके बाद एड्रेस जो है अपने वो इंटर करना है, इसके बाद नीचे अपने फी पेयर का नेम जो है वो इंटर करेंगे, कौन सा पर्सन आपकी फीस जो है वो पे करेगा अपने उस पर्सन का नेम जो है वो इधर इंटर करना है, इसके बाद उस पर्सन का अपने CNIC नंबर जो है वो इंटर करना है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करेंगे, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है ऐड एजुकेशन का, ऐड एजुकेशन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपने एजुकेशनल डिटेल जो है अपनी वो इंटर करेंगे, सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करेंगे, सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है अपना वो इधर सेलेक्ट करना है, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपने डिग्री जो है अपनी वो सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया अपने ये सेलेक्ट करना है, इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है अपने वो इधर सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक साइंस में किया या आर्ट्स में किया अपने ये सेलेक्ट करना है, इसके बाद इसी तरह मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है अपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद नीचे अपने टोटल मार्क्स जो है मैट्रिक के वो इंटर करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं, परसेंटेज टोटल खुद कैलकुलेट करेगा, इसके बाद अपने स्कूल का नेम जो है वो इधर इंटर करना है, इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो है अपने वो इंटर करना है, बोर्ड का नेम अपने सेलेक्ट करना है और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है ऐड एजुकेशन का, ऐड एजुकेशन के ऑप्शन के ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करने के बाद अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है, सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो अपना वो सेलेक्ट करेंगे, इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद अपने डिग्री जो अपनी वो सेलेक्ट करनी है, इंटरमीडिएट किया या डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग किया ये अपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद अपने स्पेशलाइजेशन जो अपनी वो सेलेक्ट करनी है, FSC प्री मेडिकल विद 45% मार्क्स हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग विद 45% एंड अबव मार्क्स हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग विद 60% एंड अबव मार्क्स हैं, अपने ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद अपने FSC का पासिंग ईयर जो है अपने वो सेलेक्ट करना है, रिजल्ट स्टेटस जो है अपने वो सेलेक्ट करना है, इन केस अभी आपका सिर्फ FSC पार्ट वन का रिजल्ट क्लियर है तो अपने वेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इन केस अगर आपने 2023 में अपनी FSC जो है वो कंप्लीट कर लिया तो अपने डिक्लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने सेकंड ईयर का बोर्ड का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है, सेकंड ईयर के रोल नंबर स्लिप की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है, इसके बाद फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं, इसके बाद फर्स्ट ईयर के ऑब्टेंड मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं, परसेंटेज पोर्टल खुद कैलकुलेट करेगा, इसके बाद अपने कॉलेज का नेम जो है वो इधर सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपने बोर्ड का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है, इसके बाद बोर्ड का नेम अपने सेलेक्ट करना है और अपने FSC पार्ट वन के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम्स का, व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो शो हो जाएंगे, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, टोटल 3 प्रोग्राम्स जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है अपने वो अपलोड करनी है, सबसे पहले CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है, इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है, इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है और अपलोड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, CNIC की और डोमिसाइल की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को जो है वो रीड कर लेना है, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो है वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का, जो कि आप किसी भी पंजाब बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं, फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और डिपॉजिट डेट जो है आपने वो सेलेक्ट करनी है और अपडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और एंट्री टेस्ट की जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आपकी इसी पोर्टल पे अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।